हॉलीवुड स्टार संजय दत्त यानी कि संजू बाबा ने कैंसर नू मात देन तो बाद फिल्मां च वापसी कर ली है। संजय दत्त आने वाली फिल्म टौर बास च बच्चियां दा मसीहा बन के आणगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ते रिलीज होने वाली फिल्म टौर बास संजय दत्त ते उन्हां दे फैंस लई काफी खास होने वाली है। हालांकि लॉकडाउन दौरान संजय दत्त की फिल्म सड़क 2 भी ओटीटी प्लेटफॉर्म से रिलीज हुई थी, पर जनता ने नेपोटिज्म के गुस्से के कारण उस फिल्म का बॉयकॉट कर दिया था, जिस कारण फिल्म हिट ना हो पाई। फिल्म सड़क 2 के रिलीज होने दौरान संजय दत्त नाल जुड़िया खबरें सामने आईया सी कि संजय दत्त नू लंग कैंसर है। संजय दत्त ने 11 अगस्त नू सोशल मीडिया से अपनी सेहत की खबर दिंदिया स्टेटमेंट भी जारी की। उन्होंने कहा कि वह मेडिकल ट्रीटमेंट के चलद काम तो ब्रेक ले रहे हैं, पर इस स्टेटमेंट च संजय दत्त वालों कैंसर होने बारे पुष्टि नहीं की गई। पर मेडिकल ट्रीटमेंट की गल करी जाए तो थोड़े समय बाद ये खबर आई हैं कि संजय दत्त नू कैंसर है, जिस बाद फैंस ने संजय दत्त के जल्द सेहतमंद होने की कामना शुरू कर दी। मुंबई के लीलावती हस्पताल के कोकिलाबेन हस्पताल च संजय दत्त ने इलाज करवाना शुरू किया। लगातार टेस्ट करवाउन ट्रीटमेंट के 2 महीने बाद संजय दत्त ने अपने ठीक होने की खबर शेयर की थी। अपने बच्चों के जन्मदिन मौके और ठीक होने का तोहफा संजय दत्त ने अपने फैंस नू भी दिता। संजय दत्त फिल्म टौर बास च एक क्रिकेट कोच का किरदार निभा रहे हैं, जो कि रिफ्यूजी कैंप च रह रहे बच्चों नू क्रिकेट खेलने लई ट्रेनिंग करता है। पर राहुल देव जो कि इस फिल्म च आतंकवाद का किरदार निभा रहे हैं, उन्हों का मकसद बच्चों नू किसी होर काम लई ट्रेन करना। हुण संजय दत्त इन्हां बच्चों नू आतंकवादा दे चुंगौल तो किवें बचाउणगे, इह तां फिल्म रिलीज होने तो बाद ही पता लगेगा। नेटफ्लिक्स ते फिल्म टौर बास 11 दिसंबर नू रिलीज होवेगी। तुहानू इह वीडियो किस तरीके दी लगी कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दसना। होर अपडेट्स लई जुड़े रहो चढ़दी कला टाइम टीवी दे नाल। सबसक्राइब करो चढ़दी कला टाइम टीवी नू ते लेटेस्ट अपडेट पाउण लई प्रेस करो बेल आइकन।